जय हिंद दोस्तों, आज का दिन बड़ी खुशी के दिन है। तो आज हम लोग आपको कुछ दिखाने चाहेंगे। जो चार बंदे हैं हमारे SSCGD के दो और CISF के दो बंदे जो फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, तो उनको अभी बुलाऊंगा एक एक करके, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो ये बड़ी खुशी लगती है जब हमारे बंदे फिजिकल क्लियर करते हैं। चलो अभी आओ एक एक करके। ताली ताली है, बताना पड़ेगा क्या? बताओ नाम, बताना पिछला टाइम, बताना जब आए थे और टेस्ट में क्या टाइम हुआ, सब कुछ जो भी एक्सपीरियंस है और डंडा भी कितना लगता है वो भी बता देना, ठीक है? चलो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रवि नारायण देवता है। जब मैं पहली बार आया था तो मेरा टाइमिंग 5 किलोमीटर का था, 25 मिनट। तो मैं CISF टेस्ट में मेरा फिजिकल 20 मिनट में क्लियर हो गया। ताली। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु पटनायक है। मैं जब पहली बार आया था, मेरा टाइमिंग 5 किलोमीटर का 26 मिनट था। अब मैं CISF का फायर का टेस्ट देकर आया हूँ, 20 मिनट में 5 किलोमीटर कंप्लीट किया हूँ। अभी दो बंदे हैं जो SSCGD क्लियर कर चुके थे, लेकिन वो बाहर के हैं, इसलिए उनको मैं बुलाया ताकि आप लोग को दिखा दूं, आपके सामने सच दिखा दूं। अभी SSCGD क्लियर करने वाले दो बंदे अभी आएंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से। चलो नेक्स्ट। मेरा नाम मुकेश कुमार साहू, मैं ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा का ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा यहाँ से 50 किलोमीटर का दूर से मैं आया हूँ। और मैं जब SSCGD का फिजिकल निकला था तब मैं तो घबरा गया था कि मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, तो अभी कैसे करूँगा। तो मेरा एक फ्रेंड ने बोला कि ऐसे जो तालचेर में एक फिजिकल एकेडमी है, जो कि तालचेर फिजिकल एकेडमी है। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा और यहाँ चला आया कि SSCGD का फिजिकल देने के लिए, फिजिकल का प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे जब आया मुझे नर्वस हो रहा था, क्योंकि जो अलग बंदे थे वो तो 5 किलोमीटर लगभग 20 मिनट में कंप्लीट कर देते। तो मैं घबरा गया था कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो मैंने जब प्रैक्टिस किया, साहब तो बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे, तो डंडा भी मारते हैं, उनको पता। हाँ, थोड़ा डंडा ही मारते हैं। तो मेरा जब मैं यहाँ पे एक हफ्ता प्रैक्टिस किया, तो उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ कि मैं कितने देर में आता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो आया, तो एक फर्स्ट टेस्ट में मेरा 5 किलोमीटर लगभग 23 मिनट 30 सेकंड तक आया था, और दूसरा टेस्ट एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद मेरा लगभग 22 मिनट 30 सेकंड पे आया। और मैं जब वहाँ पे मेरा कैंप पड़ा था CRPF भुवनेश्वर पे फिजिकल का, तो वहाँ पे मेरा लगभग 20 मिनट तक मैं पहुँच गया था। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष नायक है, मैं ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट कामाख्या नगर से आया हूँ। मेरा जब रिटिन क्लियर हुआ था, मेरा एक दोस्त बोला था कि तालचेर में एक एकेडमी है, फिजिकल एकेडमी है, उसमें मैं ज्वाइन किया। मेरा पहले से टाइम आया था 27 मिनट आया था। फिर इधर आके मैंने रेगुलर प्रैक्टिस के बाद, बहुत डंडा पड़ने के बाद, पड़ने के बाद मेरा टाइम प्रैक्टिस हुआ, रेगुलर प्रैक्टिस हुआ, मेरा टाइम घटते गया। मेरा जब एग्जाम हुआ CRPF में, मेरा टाइमिंग 22 मिनट आया और मैं फिजिकल। ये दोस्तों घबरा गया था, बोला मैं पिछले बार हर बार फिजिकल फेल होता था। इससे पहले भी टेस्ट हुआ था फिजिकल आपका, तो वो हर जगह फेल मार रहा था। तो ये मेरे पास आया तो मेरे को कैसे ना कैसे फिजिकल निकालना है, तो डंडा डूंडा मार के इसको फिजिकल निकलवाया। और चलो, तो ये थे दोस्तों मेरे जो चार बंदे हैं, बिल्कुल फिजिकल जीरो थे, इनको 5 किलोमीटर तैयार हो गए और फिजिकल चेस्ट वगैरह सब कुछ रेडी हो गया इनका।
अभी नेक्स्ट इनका किसी का इनका है मेडिकल है SSCGT का और CISF का रिटन टेस्ट है। इसके बाद हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि चारों का नौकरी हो जाए और ये अपना अपना मंजिल हासिल करें। और आपको ये वीडियो कैसे लगा हमारे को कमेंट में बताना, और अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।